जय जोहार। आज 9 अगस्त है, पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में भी आदिवासी दिवस मनाया गया। आज काफ़ी तेज़ बारिश में भी रैली निकाली गई, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में आज क्षेत्रीय विधायक श्री चंदन कश्यप के साथ जिले के जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, साथ ही स्कूली छात्र छात्राएँ तथा महिला भी उपस्थित हुई। आदिवासियों की संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन तथा उनकी जीवन शैली अनमोल है। आदिवासी धरती के मूल निवासी है। हमारे साथ मौजूद हैं सर्व आदिवासी समाज के युवा अध्यक्ष वासुदेव भारद्वाज जी, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बस्तर वार्ता में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। इस आयोजन के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आज विश्व भर में मनाया जाने वाला विश्व आदिवासी दिवस नारायणपुर में भी बड़े धूमधाम से मनाए, जिसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक के साथ साथ स्कूली बच्चे और सभी अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से आज धूमधाम से मनाया गया। आज हमने देखा कि बरसात में भी रैली निकाली गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, लेकिन काफ़ी संख्या में आदिवासी भाई उपस्थित हुए, उनका उत्साह कम नहीं हुआ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी और युवा युवती सभी के मन में जोश था कि आयोजन को सफल बनाना है और विश्व में जो हमारे एकता का प्रतीक है उसको एकता एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना था, और सभी में जोश हर्ष उल्लास के साथ आज का विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं सर्व आदिवासी समाज के सचिव प्रताप मंडावी जी। आज हमने मंच पे देखा कि सभी राजनीतिक पार्टियां आज आदिवासी दिवस पे एक मंच पे उपस्थित थी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यह विश्व आदिवासी दिवस जो मंच है, यह मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं कहला जाएगा। तमाम प्रकार के राजनीतिक पार्टी के लोग बाहर में जरूर रहेंगे, मगर विश्व आदिवासी दिवस के जो मंच में ये सभी एक सूत्र में बंधे रह जाते हैं, एक माला के रूप में फिरो जाते हैं और भाईचारे के भाव के रूप में अपना परिचय देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेटनरी असिस्टेंट सर्जन सर। सर, आदिवासी दिवस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी को?
आज वर्ष 2022 में हम विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस बार का जो हमारा सूत्र वाक्य है, जो यूनाइटेड नेशन से पारित हुआ है, वो है पारंपरिक ज्ञान के संवर्धन और प्रसार में महिलाओं की क्या भूमिका है। तो उसके संबंध में भी आज आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि हमारे जितने भी आदिवासी माताएँ बहनें थीं, उनका सक्रिय सहयोग रहा है और आगे भी समाज के संरक्षण में और विश्व के कल्याण में हमारी जो आदिवासी जो समाज है उसका हमेशा से सहयोग रहा है। और आज इस प्रकार के आयोजन से हम एक समाज के रूप में तो संगठित हो ही रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, और साथ ही साथ हम आज आपने देखा भी होगा कि आज हमने जितने भी हमारे अतिथि आए हुए थे उन सभी को हमने पौधा एक उपहार के स्वरूप में दिया है, ताकि हम प्रकृति की रक्षा कर सकें और पूरे विश्व का कल्याण कर सकें। आज आदिवासी भाइयों ने एक यूनिटी का परिचय दिया, साथ ही सभी जो महिलाएँ हैं वो पारंपरिक वेशभूषा में आई हुई थी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारी जो पहचान है वो हमारी वेशभूषा है, हमारी बोली है। तो आज इसी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए हमारे समाज के जितने भी युवा वर्ग के साथी हों, चाहे वो माताएं बहनें हों, चाहे वो हमारे वृद्ध जन हों, सभी के सभी आज पारंपरिक वेशभूषा में ही थे। और आप सभी ने देखा होगा कि आज का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है वो भी हमने अपने पारंपरिक बोली भाषा में ही दिया है, ताकि हम अपनी एकजुटता का परिचय दे सकें। आप कुछ कहना चाहेंगे सर आदिवासी दिवस पर? आदिवासी दिवस 9 अगस्त 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आम सभा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था, उसमें विश्व के जो मूल निवासी हैं उनके संवर्धन के लिए, उनकी जल जंगल की रक्षा के लिए और उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए यह संकल्प पारित किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे नारायणपुर जिला में भी पूर्ण उत्साह गर्मजोशी के साथ आज झंडा आरोहण किया गया, उसके पश्चात बाइक रैली निकाली गई और संबोधन हुआ हमारे समाज प्रमुखों के द्वारा, उसके पश्चात रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आदिवासी संस्कृति से परिपूर्ण था यह कार्यक्रम आयोजित की गई, उसके पश्चात पुरस्कार वितरण किया गया और अंत में हमारे सचिव महोदय श्री मंडाव जी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इसमें कांग्रेस पार्टी, भाजपा, इसमें कोई मतभेद नहीं था, सभी एक मंच पे आकर के इस कार्यक्रम में अपना अहम भूमिका निभाई है। तो ये थे आदिवासी पदाधिकारीगण, इन्होंने आज काफ़ी यूनिटी का परिचय दिया, सभी राजनीतिक दलों ने, साथ ही महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई, साथ ही सभी प्रोग्राम के अंत में सभी लोग थिरकते नजर आए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।